अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप सो कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। आज की वीडियो एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक टॉपिक पे है। आज मैं आपको गाइड करूंगी बेसिक मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में जो लाजमी हर गर्ल्स के पास होने चाहिए। अगर आपको मेकअप करना आता है, थोड़ी टेक्निक्स आती हैं, तो इसके लिए आपको ढेरों ढेर मेकअप खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर आपके पास चंद एक पैलेट, लिपस्टिक्स, नेल पॉलिश, अच्छी बेस होगी, तो इससे आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आप विदाउट एनी हेजिटेशन एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मेकअप कर सकते हैं और डेली वेयर में सबसे यूनिक नज़र आ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज ये मैं आपको बहुत ही रीज़नेबल मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो लाजमी आपके बैग में होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जी हांडी बेस के बारे में। ये लाजमी आइवरी या किसी फेयर कलर में आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास हांडी बेस है तो इससे आप अपनी आंखों को कंसील कर सकते हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त सी बेस तैयार कर सकते हैं। ईजिली आपको लोकल मार्केट से मिल जाए। आफ्टर हांडी बेस आपके पास लाजमी ग्लैमरस का ही फेस पाउडर होगा। ये 400 या 500 में ईजिली आपको मिल जाएगा। ये SPF 35 है जी, आपको बहुत ही फ्लॉलेस सी लुक देगा। देन आपके पास ये एक पैनकेक भी होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली गर्मियों में पैनकेक इस्तेमाल करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं बेस लगा के, तो उससे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और इंडियन पैनकेक की बात यह है कि ये वाटर प्रूफ होता है विदाउट एनी फेयर जी, आपके चेहरे पर 7 से 8 घंटे ईजीली जी स्टे कर जाता है। अब हम चलते हैं पैलेट्स की तरफ। सबसे पहले जी ब्लश ऑन है, ये मैंने एक लोकल मार्केट से लिया था और अभी आप इसका हाल देख सकते हैं। यू कैन इमेजिन कि ये मैंने कितना यूज़ किया है। इसके जो शेड है वो बहुत ही प्यारे हैं, सिंपल में भी है, शिमर में भी है। अगर आपने नाइट मेकअप करना है तो ब्लश ऑन थोड़े ग्लिटर्स में भी है, इजीली आप इसको ब्राई कर सकते हैं। ये रोमांटिक एक लोकल ब्रांड है जी, इसका पैलेट है। अब हम आई शेडो पैलेट की बात करते हैं। ये बहुत ही छोटा सा मज़े का है, इसमें ढेर सारे कलर हैं, कोई भी इजीली आप अपनी आईज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ मैट है, कुछ मेटेलिक्स है। ये जी मैंने बाय किया था दराज से, आपको इजीली दराज से मिल जाए। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको लिंक भी मेंशन कर दूंगी। अगर आप थोड़ा मेकअप से हट के करना चाहते हैं, किसी नाइट फंक्शन में जाना है, तो देन लाजमी आपके पास ग्लिटर्स होने चाहिए। छोटा सा टीनी सा बहुत खूबसूरत सा एक पैलेट है, 6 in 1 है। ये ईजिली आपको मिल जाएगा, मुझे तो सिर्फ ये 85 रुपये में मिला था और एक मैंने इस पर सेपरेट वीडियो भी बनाई है। अब इस आई शेडो पैलेट की बात करते हैं, जिसको भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी हालत देख कर के मैंने इसको कितना यूज़ किया है और जो इसकी पिगमेंटेशन है, क्या बात करूँ कि बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त सी है। इसको आप वाटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, विदाउट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत से मेटेलिक शेड है। अब यू नो कि समर है, तो इसमें हमें प्रेफर करना चाहिए, हम जो भी लिपस्टिक यूज़ करें या लिप ग्लोस करें तो वो थोड़े मैट होने चाहिए, ग्लोसी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर जी मेरे पास बहुत खूबसूरत से 2 मैट लिप ग्लोस के शेड हैं। देन अब मैं आपके साथ लिपस्टिक दिखाऊंगी, तो मेरे पास कम लिपस्टिक है, मैं मोस्टली इन्हीं को थोड़ी ट्रिक्स यूज़ करके 2 शेड मिलाकर एक तीसरा शेड खुद से बना सकती हूँ। तो आपको भी ट्राई करना चाहिए, अपने लिप्स पे 2 शेड लगाएं, 2 लिपस्टिक को मैश करें, तो इससे एक तीसरा बहुत ही खूबसूरत सा कलर मिलेगा। ये मेरे पास जी लोकल ब्रांड के रोमांटिक ब्यूटी के लिपस्टिक हैं, 3 पहले मैंने आपको के साथ शेयर की थी मंडोरा की। अगर आप बेस को अच्छी तरह आपको ब्लेंड करनी नहीं आती, तो आपको प्रेफर करना चाहिए कि ब्रश की बजाय आप बल्कि ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथों की नील बहुत ही खूबसूरत से नज़र आए, अच्छे से मैनीक्योर पेडीक्योर करें, उसके बाद कोई सी भी अच्छी सी जो आपके पास नेल पॉलिश हो, यहाँ पर मेरे पास जी मडूरा की ग्लिटरी शेप में थोड़ी सी वाइट सी बहुत ही खूबसूरत सा लुक देती है नेल्स को। देन है रिवाज यूके की एक मेहरून और बेबी पिंक कलर है, ये समर में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लाजमी आपके पास होने चाहिए। अब आपके साथ जी मैं शेयर करने लगी हूँ हाइलाइटर। ये किसी भी महंगे ब्रांड का नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी उसी ब्रांड के टक्कर की है। ये भी मैंने लिया था लोकल मार्केट से, इजी टू यूज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बस आपने थोड़ा सा अपनी स्किन पर इसको लगाना होता है। देन अगर आपकी आई लैशेस बहुत छोटी हैं, आप चाहती हैं कि आईज़ मेकअप करने के बाद आपकी आईज़ बहुत ही इन्हेंस हो जाएं,
देन यू शुड मस्ट यूज़ फेक आई लैशेज ईजी, इनके साथ ग्लू लगी होती है, अगर ग्लू नहीं है तो आप सॉफ्ट टच की ले लें और इस फेक आई लैशेज को अपनी आईज पे लगाएं। देन अगर आपकी आईज छोटी हैं तो उसमें आप वाइट पेंसिल भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई हो।